स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स यूनिट सेवन एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 में जो सेकंड क्वेश्चन रहता है, हम डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल डायग्राम रिलेटेड है, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन की डिटेल्स ही बताना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रेटर देन और लेस देन बताना है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन में हम ग्रेटर देन और जो लेस देन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें 3/6 एंड 5/6। तो अब हमें देखना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। याद रखें, जो डिनोमिनेटर के पोजीशन हैं वो बराबर होने चाहिए फर्स्ट के। तो हमारे पास 6 और 6 दोनों में, तो ऊपर डायरेक्टली पता लगा सकते हैं बड़ा कौन, तो बड़ा ये ग्रेटर देन इस साइड, तो 5/6 जो बिगर फ्रैक्शन। बट जैसे ही बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट में प्रॉब्लम ये है कि 1/4 दिया है और सॉरी 1/7 और 1/4 दिया, अब डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, 7/7 लिखा, 1/4 लिखा, ओके। तो 7 ये 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई, तो सिंपल सी बात है, अगर यहां 4 है तो इसे 1 को भी मल्टीप्लाई करो और 7 को भी। तो हमने 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया 7 को, 4/28। अब 7 से ही 1 को भी कर रहा हूं मल्टीप्लाई और 4 को, 7 से ही 1 को किया 7/28 या गया 7/28 डिनोमिनेटर सॉरी इक्वल 7 इज बिगर, तो फ्रैक्शन 7/28 इज अ बिगर। एंड नेक्स्ट पार्ट इज जो सी पार्ट रहता है हमारे पास, सी पार्ट में है 4/5 and 5/5। तो ये तो दिख रहा है कि डिनोमिनेटर बराबर है, तो ये बराबर है डी पार्ट। पर डी पार्ट में दोबारा प्रॉब्लम आ गई, 3/5 and 3/7। दोबारा से हम इस पार्ट को ऐसे ही करेंगे, 3/5 राइट किया, 7/3 राइट किया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एंड 7/3। तो अब हो क्या रहा है, जो 3/5 है 7 से 3 को मल्टीप्लाई 5 को भी, 7 से 3 को भी 5 को ही मल्टीप्लाई, 21/35। फिर आगे हैं किस से, 5 से, ये था 7/3/7 जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस वाले को भी, तो 15/35, तो 21/35 and 15/35 बड़े वाला ये रहेगा, तो 21/35 बिगर फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन नंबर अब 3 रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, मेक 5 मोर सच अ पेयर पुट अप्रोक्सीमेट साइन। तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो उनमें हम अप्रोक्सीमेट साइन लगा सके, ग्रेटर देन और लेस देन के। तो मैं तो ऐसे लिख दूंगा 2, 3, 4। तो सोच लो क्या राइट करना है। तो पहला तो मैंने राइट कर लिया 9/10 और 8/10 बड़ा वन, ये दूसरा 3/11 and 8/11 बड़ा ही है, दूसरा हो गया। और जो राइट करेंगे और कर लेते हैं,
तो 2 by 5, 4 by 5 लिख लो, 2 by 5, 4 by 5 बिगर, 6 by 7, 2 by 7 ये लिख रहे, और लास्ट के 11 by 13, 18 by 13 दोबारा देख लो क्या है, 18 नहीं लिखते, 10 लिख लिया। अब ओके, तो हमारे जो क्वेश्चन थे इसी के साथ यही ओवर, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।